धर्म यही है कि किसी को दुख मत दो। अगर तुम्हारे चिंतन वचन आचरण से किसी को सुख मिल जाता है तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आ पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म का पता क्यों नहीं चलता है आपको, अधर्म का पता क्यों नहीं चलता है? आपके चिंतन वचन आचरण से किसी का दिल व्यथित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, समझो पाप हो गया। दूसरे के दिल को दुखाना पाप है, दूसरे को रुलाना पाप है, तो दूसरे को हंसा देना धर्म है। बहुत नजदीक है धर्म और अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो सुलझे हुए दिमाग के संत मिल जाएंगे तो आपका विवेक जागृत हो जाएगा। विवेकी आदमी प्रथम श्रेणी का होता है, अपने से समझता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। अपने विवेक से जो निर्णय करने लगे वो उत्तम कोटि का आदमी है। और जब तक ये विवेक शक्ति उद्घाटित नहीं हुई है तब तक शास्त्रों में श्रद्धा करो, संत गुरुजनों में श्रद्धा करो। संत और गुरुजनों में शास्त्रों में श्रद्धा करते करते एक दिन आपकी विवेक शक्ति उद्घाटित होगी, जीवन अमन चैन में हो जाएगा। लेकिन दो में से एक भी नहीं है, सदगुरु कबीर की साखी है कि विवेक भी नहीं है, अपने से हम निर्णय भी नहीं कर पाते हैं सत्य क्या है, सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। आज जिससे बोध मिलेगा वो संत और शास्त्रों में हमारी श्रद्धा भी नहीं। तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जे जन श्रद्धा संबल रहित आ नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्हें प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा नहीं हो, विवेक नहीं हो, उसके लिए आत्म तत्व को समझना, कल्याण मार्ग को समझना कठिन है। कि विवेक से समझेंगे, श्रद्धा से समझेंगे। विवेक आपके पास हो तो आप बहुत उत्तम कोटि का आदमी हो, आपको गुरु करने की बाहर जरूरत नहीं, चूंकि आपके अंदर गुरुत्व का उद्घाटन हो गया। ये सही विवेक हो जाए, और अपने विवेक के आलोक में निर्णय भी नहीं करते हो, विचार भी नहीं करते हो, संत और शास्त्रों के कल्याणकारी बातों को मानते स्वीकार भी नहीं करते हो। कबीरदेव कहते हैं काहीं कबीर पुकारी के, चिल्ला चिल्ला कर कबीर साहब कहते हैं कि विवेक भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, तो उसका जीवन स्वप्न की तरह व्यर्थ चला गया। सुकृत वचन माने नहीं, मूल पंक्ति है कबीर साहब की कि सुकृत वचन माने नहीं। सुकृत वचन यानी कल्याणकारी वचन, शास्त्रों के जो कल्याणकारी वचन हैं उसको मानता नहीं है, संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है, और आपुन करे विचार, अपने पास विवेक नहीं है, तो इससे श्रद्धा और विवेक रहित व्यक्ति का जीवन स्वप्न की तरह निरर्थक चला जाता है। हम लोग इस संघ को किया करें खूब श्रद्धा और निष्ठापूर्वक, विवेक से सत्संग से विवेक जगेगा। तुलसी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा। और सत्संग कैसे मिलेगा, अब बैठे रहो हाथ पर हाथ देकर के, सही विवेकवान गुरु नहीं मिले तो किताबों में भी उलझ जाओगे। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। तो राम सब पर कृपा करता काहे के लिए, उनका कृपा इतना महंगा क्यों है? सब पर कृपा कर दो कि सब सत्संग करे, भजन करे, पवित्र आचरण में जिए, धरती स्वर्ग बन जाए। ये राम की कैसी प्रेरणा है, किसी को सत्संगी बना देता है, किसी को सिनेमा संगी बना देता है, किसी को कुछ कर देता है। राम अगर है तो सब पर रहम करना चाहिए, सो अर्थ नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
राम कृपा का अर्थ ठीक ढंग से समझिए। आप तो पहले समझ लिया राम क्या है, जो घर घर में चेतन सत्ता है, और कृपा क्या है तो कृपु सामर्थ्य संस्कृत में धातु है, कृपा का मतलब सामर्थ्य होता है। कहने का भाव है इस पंक्ति का कि तुम्हारे सामर्थ्य के अनुसार ही सत्संग मिलेगा। अगर तुम सामर्थ्य का प्रयोग करते हो सिनेमा में तो सिनेमा मिल जाता है, सामर्थ्य का प्रयोग करते हो तो टीवी में बैठ जाते हो, सामर्थ्य का प्रयोग करते हो तो ताश खेलने लगते हो। उसी सामर्थ्य को तुम सत्संग की तरफ मोड़ दो, सत्संगी हो जाओगे। राम कृपा का मतलब होता है स्व सामर्थ्य, सत्संग मिलेगा अपने सामर्थ्य से। आप दृढ़ संकल्प लो कि सत्संग में जाना है हमको, सत्संग में चले जाओगे। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, स्व सामर्थ्य का प्रयोग किए बिना सत्संग नहीं मिलेगा। पापाचार करते हो वहां भी स्व सामर्थ्य लगता है। एक बार यहीं बगल में हम थे, श्रीनगर के अगल बगल में त्रिदिवसीय मेरे कार्यक्रम थे, कार्यक्रम का समापन हो गया। एक पुलिस का जवान हमारे पास आया, कहा कि 3 दिनों से आपके कार्यक्रम चल रहे थे, बड़ी इच्छा थी आपके मिलने की सुनने की। हम कहते आए क्यों नहीं, वही रटा रटाया विषय, कहा ऊपर वाले की मर्जी, हम कि यो उसी खाता का आदमी है। हम कहा सत्संग में आए क्यों नहीं, जब इच्छा थी तब, कहा ऊपर वाले की मर्जी, हम कि गया काम से ही भी। हमके ऊपर वाला, तो उसको बड़ा संदेह हुआ कि साधु किस काम का है जिसको ऊपर वाला विश्वास नहीं हो। कहा कि आप साधु कैसे हो, ऊपर वाला पर संदेह करते हैं, हमके वही साधु हैं जो ऊपर में कोई भगवान तगवान नहीं है। ऊपर वाला का मतलब हो जाए सबसे ऊपर हो, इसका समाधान गीता में है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् जो बुद्धि परतस्तु सह। स्थूल शरीर से इंद्रिय गोलक सूक्ष्म और पर है, इंद्रियों से भी सूक्ष्म और पर मन है, मन से भी सूक्ष्म और पर बुद्धि है। जो बुद्धि परतस्तु सह सैव आत्मा, बुद्धि से भी जो पर है आत्मा है, पूर्ण विराम। हम मान रहे हैं सर्वोपरि कौन है, आत्मा सर्वोपरि है। तो फकरा कह दिया बेचारा एक कि जब द्रव ही दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। हमको समझाया जब दीन दयाल राघव की अनुकंपा होती है तब सत्संग मिल जाता है। तो उसको हम धरती पर खसीट करके लाए, जिस समय हमसे विवाद कर रहा उस समय तंबाकू खाए हुए थे। हम कहा तंबाकू खाए हो अपनी मर्जी से कि ऊपर वाले की मर्जी से। हम कि तंबाकू खाए हो अपनी मर्जी से कि ऊपर वाले की मर्जी से। अब कैसे कहता है ऊपर वाले की मर्जी से तंबाकू खाए हैं, तो हम फिर तर्क करते कि जिसके ऊपर वाले की मर्जी से तंबाकू खाते हो, ऊपर वाले की मर्जी से शराब पीते हो, तो ऊपर वाला को दफना का ही नहीं देते हो, ऊपर वाला को रख करके क्या करोगे। हम घूस लेते हो कि नहीं, पुलिस प्रशासन में हो तो घूस लेते हो अपनी मर्जी से, तंबाकू खाते हो अपनी मर्जी से। बेचारा कहा कि महाराज शराबू पीते हैं हम, कि शराब पीते हो अपनी मर्जी से, मांस मछली खाते हो अपनी मर्जी से, लोगों का शोषण दोहन करते हो अपनी मर्जी से, तो खाली सत्संग में आने के लिए ऊपर वाले की मर्जी खोज रहे हो, ये बहाना नहीं तो और क्या है। ये बहानाबाजी छोड़ दीजिए, बस राम कृपा का मतलब होता है स्व सामर्थ्य। राम माने आपकी अपनी सत्ता, आत्मसत्ता, इंसान की पुरुषार्थ सत्ता। कृपा का मतलब सामर्थ्य, अपना सामर्थ्य का प्रयोग हम जिधर करेंगे वही काम होगा। इस तरह से निर्णयात्मक विचार विवेक बुद्धि संपन्न महापुरुषों का संग हो जाए तो आपकी विवेक शक्ति जग जाएगी। खाली राम राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी, ये धारणा आपकी खत्म हो जाएगी। गंगा गंगा कहने से पाप धुल जाएगा, कहो अब बातों को विराम दे रहा हूं। गंगा शब्द का उच्चारण कहाँ से होता है, छोटा ही व्याकरण जानते हो, अकु विसर्जनिया नाम कंठ है, क ख ग घ ङ ह विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो ग गा का उच्चारण कंठ से हुआ,
अनुस्वार है वो अनुनासिक है, वो नासिका से हुआ। तो कंठ और नासिका के संयोग से दो शब्दों का उच्चारण हुआ, दो अक्षरों का, गंगा, कंठ से और नाक से। तो पाप जो है वो कंठ में चिपका हुआ है क्या, लुरलुरी में? पाप कते छे हो, नाक में घुसियाल छे पाप। यही दो जगह से गंगा शब्द का उच्चारण हुआ, तो कंठ में चिपका हुआ पाप नहीं है, नाक के छेद में पाप नहीं है, मन पाप है, मनोविकार। गंगा का पानी कभी मन तक जाएगा क्या, तो पाप कैसे धुल जाएगा? मन तक तो सत्य की ध्वनि जाएगी, सारे लोग सत्यवादी बनो। सत्येन तपसा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन, ब्रह्मचर्य से, सम्यक ज्ञान से, सत्य से और तप से मानस दशा आपकी प्रभावित होती है। मनस शुद्धि होगी तप से, सत्य से, ब्रह्मचर्य से, सम्यक ज्ञान से। एक जगह आया है प्रणन में कि न बारी ना शुद्धति चांतरात्मा, अंतरात्मा बारी ना जले न परिशुद्धति। आत्मा का प्रच्छालन कभी भी पानी से नहीं हो सकता है। आत्मा का प्रच्छालन होगा सत्य से, ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से, तप से। गंगा गंगा कहने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गंगा स्नान कर लो तो गंगा का पानी क्या करेगा, देह की चमड़ी को धो देगा ना जी, और चमड़ी को धोते हुए गड्ढा में जाकर जमा हो जाएगा, तो पाप कौन सी है देह पर के तिलवा, पाप देह के दाग है जी, पाप है मन का विकार। तो गंगा नहाने से मन का विकार कैसे दूर हो जाएगा? ये विवेक कुंठित होने का लक्षण है। गंगा कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी, पाप नहीं धुलेंगे, ब्रह्मलोक नहीं जाओगे। राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, राम को समझने से, राम को धारण करने से, राम में प्रतिष्ठित होने से आपकी आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी इच्छाओं का सागर सूख जाएगा, इच्छा समूह नष्ट हो जाएगा, आप अविनाशी तत्व आत्मा को समझ लोगे। तो विवेक चाहिए, और विवेक के अभाव में दूसरा संबल श्रद्धा चाहिए। ये संतों में श्रद्धा किए चलो। बार बार एक निवेदन कह दिया करता हूं, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल बुराई को ही देखना चाहते हैं। कुछ लोग तो एक मुख्य विषय इसको बना लिया है। आज धर्म गुरु लोग डरने लगे हैं, साधुओं पर अंगुली उठने लगी है, ये तुम्हारी नासमझी है। इस साधु समाज में एक आदमी का पैर फिसल गया तो सारे लोगों के पैर फिसल गई, कौन सा विवेक तुम्हारा है? एक आदमी के गलत होने से पूरा समाज गलत हो जाएगा क्या? एक आदमी के सही होने से पूरा समाज सही हो जाएगा क्या? एक साधु का पैर फिसल गया, साधु पर संदेह मत करो। अभी बड़े बड़े वैराग्यवान संत हमारे यहां हैं, साधना परायण संत हैं, जितेंद्रिय संत हैं, नशा दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीने वाले संत हैं, एक नहीं बहुतायत में है। एक के चरित्र गिर जाने से सबका चरित्र गिर नहीं गया। साधुओं पर कभी संदेह करके नहीं चलना चाहिए। संतों में श्रद्धा करो, शास्त्रों में श्रद्धा करो। मैंने कह दिया, किताब में ही लिखा हुआ है, गंगा गंगा कहो पाप धुल जाएंगे। इतना भर नहीं मानो, लेकिन और भी तो अच्छी अच्छी बातें शास्त्रों में हैं। शास्त्रों विवेक करके पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए। विवेकवान आदमी सब जगह से सही सही लेकर के अपना काम साधता है। तो मैंने कहा, विवेकी होना प्रथम श्रेणी का होना है। इतना अपने विवेक को प्रखर बनाओ कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, अपने विवेक से पूछो। पाप प्रद कर्म कौन है, पुण्य प्रद कर्म कौन है, अपने विवेक के आलोक में निकालो। खाने योग्य क्या है, नहीं खाने योग्य क्या है, अपने विवेक से निर्णय करो। पीने योग्य क्या है, नहीं पीने योग्य क्या है, अपने विवेक से निर्णय करो।
बोलने योग क्या है, नहीं बोलने योग क्या है, अपना विवेक से निर्णय करो। जो सारे चिंतन मनन वचन आचरण के कर्मों को सही सही ढंग से निकालता है और सही कर्मों का संपादन करता है, गलत से बच बच कर चलता है, विवेकी आदमी है और वह संसार के लिए वरदान है और अपने लिए कल्याण कर सकता है। तो हर भाई बहन को विवेकी होना चाहिए और जब तक विवेक शक्ति उद्घाटित नहीं हुई है तब तक संतों में, सदग्रंथों में श्रद्धा करके संतों का संग करो, सदग्रंथों का अध्ययन करो और जो जो उसमें सार अनुभव में आता है धीरे धीरे उसका कार्यान्वयन करो, आपका जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र में अपनी बातों